सावरकर को भारत रत्न दिए जाने का विरोध करने वाले को सेल्यूलर जेल भेज देने की बात वाले संजय राउत के बयान पर हंगामा खत्म नहीं हुआ है। हालांकि आदित्य ठाकरे ने अपनी तरफ से सफाई पेश की और कहा था कि पता नहीं राउत किस हैसियत से ये सब बोल रहे हैं, लेकिन आदित्य की बातों पर कांग्रेस का भरोसा नहीं हुआ। इसीलिए पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने उद्धव ठाकरे से सीधे जवाब तलब किया और पूछा कि पहले शिवसेना ये साफ करे संजय राउत ने किस सियासत की बात की है और सावरकर को लेकर हमारी सोच साफ है। अब शिवसेना अपना स्टैंड साफ करे कि सावरकर को लेकर उसका क्या स्टैंड है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने से उद्धव ठाकरे बचना चाहेंगे। जिस तरह से वो सावरकर के पोते रंजीत सावरकर से मिलने से बच निकले, लेकिन क्या कांग्रेस के साथ उद्धव रंजीत सावरकर जैसा खेल कर पाएंगे? पृथ्वीराज चौहान के साथ ही महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने राउत के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि केंद्र में बहुमत होने के कारण बीजेपी सावरकर को भारत रत्न दे सकती है। अगर वो सावरकर के अंबेडकर और बौद्ध को राष्ट्रद्रोही कहने जैसे बयानों की अनदेखी करना चाहती है तो सचिन सावंत ने ट्वीट कर कहा कि सावरकर 1911 से पहले अलग थे। कांग्रेस 1923 के बाद की सावरकर की विचारधारा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सावरकर ने अंबेडकर के बारे में गलत बयान किया और बौद्धों को देशद्रोही बताया। उन्होंने छत्रपति शिवाजी की आलोचना की। सावंत ने ये भी कहा कि तत्कालीन रियासत त्रावणकोर को भारत में मिलाने के विरोध में चल रहे अभियान का भी समर्थन किया था। असल में संजय राउत ने कहा था कि जो लोग सावरकर को भारत रत्न दिए जाने का विरोध कर रहे हैं उन्हें कम से कम 2 दिनों तक तत्कालीन औपनिवेशिक जेल में बिताना चाहिए, जिससे वो ये समझ सके कि सजा के दौरान उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।